ओके सो आई थिंक वी आर लाइव सो वेलकम बच्चा लोग वेलकम बैक टू द चैनल एंड एक बारी अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि येस सर यू आर ऑडिबल एंड यू आर विजिबल हाँ कम ऑन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग कम ऑन, कम एवरी वन नोटबुक पेन आपका रेडी होना चाहिए एंड वी शैल क्विकली स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई वेटेज कोई मामूली बात नहीं छब्बीस क्वेश्चन पूछा जाना जहां पे आपका सर्किट प्रॉब्लम्स या फिर पोटेंशियल मीटर मीटर ब्रिज इसके ऊपर काफी सवाल आपको देखने के लिए मिला यस सर कम ऑन गुड इवनिंग गुड इवनिंग यस 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 चलिए सो लेट्स स्विच बैक टू द प्रेजेंटेशन जो हमारा पीपीटी फाइल है uh, जल्दी से दो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सवाल हमसे पूछे गए थे जेई मेन 2023 हजार जान अटेम्प्ट में वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं तो आपका नोटबुक पेन रेडी होना चाहिए ताकि आप कोशिश करिए कि मेरे से भी पहले सॉल्व करके चार्ट पे अपना रिस्पॉन्स दे सके कंप्लीट करेंगे

चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसका भी आपको चैप्टर वाइज प्ले का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है चलिए शुरू करते हैं एंड अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का नोटबुक पेन रेडी होना चाहिए ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर बच्चा कभी ना कभी अपने जेई के प्रिपरेशन में जरूर से करता है यानी कि देखने में सर्किट समझ में नहीं आता है लेकिन है ये आपको बेसिकली एक वीड स्टोन ब्रिज और वो भी बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज आप इसको चाहो तो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर हम लोग इसके फंडामेंटल्स में जाए तो हम लोग इस पॉइंट को एक्स और इस पॉइंट को बेसिकली हम लोग वाई बोल देते हैं और फिर हम लोग पूरे सर्किट को दोबारा से रिड्रॉ करते हैं इन स्टैंडर्ड ऑफ योर मीड स्टोन ब्रिज अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो टू है वो ए और एक्स के बीच में है तो हमने यहाँ पे जनाब एक जो है टू इस तरीके से ए और एक्स के बीच में बनाया है नाइन आर आपको एक्स और वाई के बीच में है तो हमने यहाँ पे एक नाइन आर बनाया ये थ्री आर आपको बी और वाई के बीच में है तो हमने यहाँ पे एक बी और वाई के बीच में थ्री आर बनाया है उसी तरीके से अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला आर ए और वाई के बीच में है तो हमने यहाँ पे इसके बीच में ये वाला आर बना दिया है एंड द लास्ट वन इज योर सिक्स आर जो कि एक्स और बी के बीच में है तो ये सिक्स आर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सिक्स आर इन टू आर ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है सेम है इसका मतलब बीच वाले को हम सिस्टम से उड़ा सकते हैं अब ये दोनों आपका बेसिकली हो जाएगा सीरीज में यानी कि एट आर ये दोनों आपका हो जाएगा सीरीज में यानी कि फोर आर सो बेसिकली एट और फोर का पैरल में करना है यानी कि एट इंटू फोर डिवाइडेड बाई एट प्लस फोर तो ये आपको हो जाएगा ऊपर में थर्टी टू और नीचे में अपने को निकल के आ रहा है ट्वेल्व थर्टी टू आर बाई निकल के आ रहा है इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो फोर थ्री फोर एट यानी एट आर बाई थ्री राइट बढ़िया है चलिए तो ये आपको बेसिकली एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था जो कि हर बच्चा करता है Come on, इसको कीजिए कीजिए का आपका सवाल है Quickly solve मुझे है मुझे उम्मीद कि आप करके आए होंगे तभी आपको solve करने में मजा राइट इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड ई एम एफ ऑफ दल यूजिंग पोटेंशियो मीटर लेंथ ऑफ नल पॉइंट फॉर अ सेल ऑफ ई एम एफ वन पॉइंट फाइव वोल्टी सेंटीमीटर तो अगर तुमको ध्यान में हो तो आपका जो बैलेंसिंग लेंथ होता है यानी कि आपके पास अगर कोई भी सेल है जिसका ई एम एफ ई है सो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई बैलेंसिंग लेंथ ये इस मेरा जो पोटेंशियो मीटर है वो वो सेम है यानी कि ये वाली टर्म जो मेरी होगी वो सेम होने वाली है हमसे कहता है कि भैया ई एम एफ अगर वन पॉइंट फाइव वोल्ट था तो मेरा बैलेंसिंग लेंथ था सिक्सटी सेंटीमीटर राइट कुछ बच्चों ने ऑलरेडी आंसर करना शुरू कर दिया है लेकिन सही जवाब यस yes, अब कुछ बच्चों का सही जवाब आ रहा है और दूसरा इक्वेशन कहता है कि हमने सेल को बदल के कोई और सेल रखा है राइट जिस कारण से बैलेंसिंग लेंथ जो है मेरा वो हो गया है अब 40 सेंटीमीटर इक्वेशन नंबर टू हमसे पूछता है कि भैया इस ई e की वैल्यू कितनी है बेसिकली आपको ई e सॉल्व करना है तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो 1.5 पॉइंट फाइव बाई ई इज इक्वल टू योर सिक्सटी बाई फोर्टी दैट इज नथिंग बट थ्री बाई टू अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको कितना हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी योर हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी योर ई इक्वल्स टू वन आ रहा है आपका यहाँ पे नहीं कुछ तो गड़बड़ किया क्या हमने यहाँ पे वन पॉइंट फाइव सिक्सटी सेंटीमीटर सो ये हमने डिवाइड किया सिक्सटी बाई फोर्टी ओहो हो टू थ्री टू टू ठीक तो है है ना सो ई इज इक्वल टू टू इंटू वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई थ्री अच्छा हाँ देखिए 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 कुछ तो गड़बड़ किया ना नल पॉइंट इंक्रीजेस बाई फोर्टी है ओहो हो यही सिली मिस्टेक्स आप भी एग्जाम में शायद करके आए होंगे ध्यान से देखिएगा पहला नल पॉइंट सिक्सटी है और दूसरा नल पॉइंट जो है ना हमसे कहता है द लेंथ ऑफ नल पॉइंट इंक्रीजेस बाई फोर्टी यानी पहले सिक्सटी था तो अब वो हंड्रेड हो गया है सो बेसिकली सिक्सटी प्लस फोर्टी हो गया है अब आपका हंड्रेड हो गया है अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे सो वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू सिक्स बाई टेन ये आपका आ, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसको कट कर देगा फोर से सो so, ई e की वैल्यू आ रही है टेन बाई फोर और इसे हमें इक्वेट करना है एक्स बाई टेन के साथ तो यहां पे एक्स की वैल्यू ट्वेंटी फाइव आपको निकल के आनी चाहिए ठीक है बस 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 सो so, आप देख सकते हैं कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस है जस्ट बिकॉज वो लोग एक एक वर्ड को इस तरीके से बीच में छुपा छुपा के लिख देते हैं है ना अब ये सवाल में तो मेजोरिटी बच्चों ने सिली मिस्टेक किया था ये सवाल में मेजोरिटी बच्चों ने सिली मिस्टेक किया था आपके सामने ये सवाल है जहां पे हमसे कहता है इक्वेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दी एडजस्टेंट कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर सो बेसिकली आपके पास एन साइडेड पॉलीगॉन है है ना हेक्सागन है कि कौन सा है वो हमको नहीं बताया है लेकिन एन साइडेड है और पूरे वायर का ये आपको और भी ऊपर तक जा रहा है पूरे वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है तो मैंने हमसे पूछ रहा है कि किसी एक एज के अक्रॉस मेरा इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना है तो भैया ये वाला रेजिस्टेंस अगर मैंने स्मॉल आर बोल दिया है तो ये सब के सब मेरे जो है जनाब स्मॉल आर हो जाने वाले हैं। ये सब के सब स्मॉल आर होंगे और स्मॉल आर है कितना टोटल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ एजेस तो स्मॉल आर आपका कैपिटल आर बाई एन है अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको ऊपर में जो सीरीज में आपको स्मॉल r है वो n 1 टाइम्स है यानी कि ऊपर में आपको n 1 r टाइम्स रेजिस्टेंस है और नीचे में मेरे पास सिर्फ ये r वाला रेजिस्टेंस है a और b के अक्रॉस अब इसका आप पहले तो इक्विवेलेंट निकालो कि सर इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा n 1 r into r डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एन इंटू आर निकल के आएगा तो एक एक आर तो आपका खत्म सो एन माइनस वन बाई एन मल्टीप्लाइड यहां से एन माइनस वन आर अपॉन एन स्क्वायर तो ये वाली चीज जो है ना बहुत से बच्चे एग्जाम में एक्चुअली इस बार मिस किए थे जिस कारण से उनका आंसर गलत आ गया था है ना यस yes. देखिए अभी भी अभी भी कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर फोर आंसर दे रहे हैं तो ये एक्चुअली एग्जाम में हुआ था इस बार का पेपर में बहुत सीली मिस्टेक्स होने के आपके स्कोप थे ठीक है चलिए और देखिए ये आपका बेसिकली असरशन रीजन टाइप क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है है ना सवाल को पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है फॉर मेजरिंग दोटेंशियल डिफरेंस फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ़ 600 ओम, डी वोल्टमीटर रेजिस्टेंस विथ 1000 ओम विल बी प्रेफर्ड, या फिर 4000. कहता है कि 1000 ओम विल बी प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर विथ रेजिस्टेंस 4000 ओम. तो क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है अगर आपको वोल्टमीटर के बारे में जानकारी हो सो बेसिकली हमसे कह रहा है कि आपके पास छः ओम का एक रजिस्टर है ये रजिस्टर किसी सर्किट का पार्ट हो सकता है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना था तो हमने लगा दिया एक वोल्टामीटर। अब तुम एक बात समझो तुम एक बात समझो वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस एक्चुअली है ना बहुत हाई होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उतना वो सर्किट का एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस जितना हाई होगा इस दोनों का इक्वेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही सिक्स के पास होगा वी डोंट वॉन्ट वोल्टमीटर रेजिस्टेंस टू चेंज द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट राइट सो बेसिकली क्या होगा कि अगर इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का बहुत ज्यादा होगा तो सारा का सारा करंट जो है वो इधर से ही पास करने की कोशिश करेगा ऊपर में वो ज्यादा ड्रॉ नहीं करेगा यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है बच्चा वो आपको फॉल्स है कि थाउजेंड ओम वाला प्रेफर करेंगे ओवर फोर थाउजेंड ऐसा नहीं है ज्यादा रेजिस्टेंस वाला प्रेफर करेंगे और जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि हमारा जो वोल्टमीटर विद हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट रेजिस्टेंस ऊपर ऊपर ज्यादा होगा तो से कम पास करेगा जो कि बिल्कुल सही है है आपका स्टेटमेंट सो बेसिकली ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट यस ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है काफी कॉन्सेप्चुअल आपसे यहां पे पूछ लिया गया कि वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा गया है ठीक है कमौन ये सवाल देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको देख के आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड मुंह में ऐसा पानी आ जाना चाहिए कि सर यहां पे तो हम लगाएंगे point potential method. कहता है बताइए आई वन प्लस आई थ्री बाई आई की वैल्यू कितनी है है ना हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 वन प्लस आई थ्री बाई आई, थ्री बाई आई राइट तो ऑलरेडी कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू किया है आप किसी भी एक पॉइंट को सबसे पहले जीरो मानिए मैंने इसको अगर जीरो बोला है तो ये पॉइंट भी जीरो ये पॉइंट भी जीरो भैया अगर ये टेन है तो ये वाला चीज आपका टेन हो जाएगा और यहाँ पे ट्वेंटी वोल्ट है और ये बड़ा वाला बैटरी है तो यहाँ पे आपको बेसिकली माइनस टेन हो जाएगा तभी तो टेन माइनस ऑफ माइनस टेन आपको ट्वेंटी निकल के आता ये वाला माइनस टेन है तो ये वाला भी माइनस टेन होगा ये वाला टेन है तो सर ये वाला भी टेन होगा खत्म खेला अब तुम ध्यान से देखो इस 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट का और यानी कि ये जो करंट हो जाएगा दैट इज 10 अपॉन 10 यानी कि दिस इज 1 अगर तुम फिर से ध्यान से देखो कि तो ये दोनों 10 10 ओम जो है 10 पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस है यानी इन दोनों में ही एक एक एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा तो भैया तीनों का तीनों तो वन वन है यानी कि वन प्लस वन, वन तो आपको जनाब टू निकल के आएगा राइट पॉइंट so पोटेंशियल से यह सवाल आप क्रैक कर सकते हैं और कुछ करने जाएंगे तो फिर उलझ जाएंगे है ना उलझ जाएंगे चलिए एक और आपका सर्किट एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे आपसे क्या पूछ रहा है तो भैया हमसे पूछ रहा है द वैल्यूज ऑफ आई फोर एंड आई फाइव यानी कि इसमें करंट कितना है और इसमें करंट कितना है ये दोनों करंट हमसे पूछ रहा है ठीक है यह सवाल आपका ट्वेंटी फोर्थ जैन शिफ्ट वन का क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा अगर हमसे आई फोर आई फाइव पूछा है तो सबसे पहले सर्किट में मेन करंट कितना है वो चाहिए होगा तभी तो इस मेन करंट का बंटवारा करेंगे आई फोर आई फाइव में सर मेन करंट निकालना तो बड़ा इजी बात है सर हमारी बैटरी जो है वो 24 वोल्ट की है राइट बैटरी 24 वोल्ट की और पूरे सिस्टम का R इक्वेलेंट चाहिए होगा ठीक है काफी बच्चों ने ऑलरेडी सही जवाब देना शुरू भी कर दिया है तो ध्यान से देखेंगे तो डिवाइडेड दो दो तो तो प्लस, तो प्लस यहां पे दो और छूट रहा है ट्वेंटी और फाइव तो ट्वेंटी और, तो और फाइव को तो पहले पैरल में सॉल्व कीजिए इस प्रकार से आएगा दिस इज योर दिस दिस इज योर फोर बेसिकली एट प्लस फोर दट इज योर करंट आ रहा है main circuit में जो current आ रहा है, है, अब जनाब इस 2 Ampere का तो करना है, तो इसका तो करना इसका आपको ट्रिक याद होना चाहिए. अगर हमसे कोई आई फोर पूछेगा सो आई फोर इज इक्वल टू मेन करंट योर मेन करंट मल्टीप्लाइड बाय आई फोर पूछा है तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई आर फोर प्लस आर फाइव यानी कि सर आई जो है वो टू है आर फाइव की वैल्यू फाइव है डिवाइडेड बाई फाइव प्लस ट्वेंटी दैट इज योर ट्वेंटी फाइव सो दिस बिकम्स योर दिस सो दिस इज योर टू बाई फाइव एम्पियर यानी कि सर आई फोर टू बाई फाइव है और इस पूरे ऑप्शन में फोर्थ में ही दिख रहा है राइट right? आप चाहो तो i5 भी कैलकुलेट कर लो i5 आपको कितना हो जाएगा i into r4 r4 plus r5 इसको सॉल्व करोगे ये आपको 8 by 5 निकल ही आएगा है ना शानदार सो काफी बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कम ऑन ये सवाल एक्चुअली है ना सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है ये काफी आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है जहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका लेंथ आपको 3.14 मीटर है इनर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज दिस मच रेजिस्टिविटी इतना है तो हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है हाँ ये ज़रूर है कि आप इसमें ओवर थिंक मत कीजिएगा कि सर हमारा करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है सवाल में कुछ नहीं बोला है और जेई मेंस में आपको सवाल आया है तो आप यहां पे सेफ साइड के लिए ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं कि करंट आपका अलोंग दी लेंथ फ्लो किया है रेडियल नहीं क्योंकि अगर रेडियल करंट फ्लो करता तब तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता लेकिन यहां पे कुछ नहीं बोला है तो आप ऐसा ही मानेंगे सिंपल केस कि करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए और एरिया में हमको ये जो आपका फेस का एरिया है ना ये जो बचा हुआ फेस का एरिया है अंदर तो कैविटी है ये जो बचा हुआ फेस का एरिया है इसका एरिया होगा यानी कि पाई पाई आर टू माइनस योर आर वन r1 क्या है तो भैया ये आउटर रेडियस और ये मेरा इनर रेडियस तो ये अपने को थोड़ा बहुत एज्यूम करना पड़ेगा इस सवाल में बाकी आपके पास क्या है रेजिस्टिविटी दे रखा है 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दर माइनस एट लेंथ देखिएगा बड़ा प्यार से 3.14 दिया है नीचे वाला पाई है राइट right? सिली मिस्टेक मत करना यहाँ पे आपको ये दोनों जो है डायमीटर्स दिए हैं आठ और चार डायमीटर है यानी फोर और टू रेडियस हो जाएगा तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन टू का स्क्वायर फोर और मिलीमीटर में था तो टू द पावर माइनस सिक्स भी डाल दिया क्लियर पाई से थ्री पॉइंट वन फोर खत्म हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो टेन टू द पावर माइनस टू बन जाएगा ये आपको कितना हो जाएगा ये ट्वेल्व हो रहा है तो ये आपको हो रहा है पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू यानी कि टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री तो यहां पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी राइट बढ़िया एकदम बस अज्यूम करना पड़ेगा कि करंट आपको अलोंग दी लेंथ फ्लो कर रहा था राइट कम ऑन चलिए यह सवाल अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है। इस बारी एनटीए ने हालांकि इसका वही आंसर दिया जो उसने पहले प्रोविजन आंसर की में दिया था सवाल में आपसे कहता है कि सेल ऑफ नाइनटी वोल्ट इज कनेक्टेड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसिस्टेंस को सर्किट में आपको बेसिकली सिर्फ एक ही वोल्ट मीटर है हालांकि सवाल के लैंग्वेज से ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि दोनों पे आपको लगा हुआ है एक एक वोल्ट मीटर तो यह थोड़ा सा इशू हो गया था इस बार बट स्टिल अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 हंड्रेड ओम इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर तो ज्यादातर बच्चों ने इसको इंटरप्रेट किया कि दोनों के अक्रॉस वोल्टमीटर है लेकिन यहां पे अगर आप और इसको देखेंगे तो अ वोल्टमीटर लिख रहा है और शायद वो ये लिखना चाहते थे कि एक एक करके आपने मेजर किया था सो so, यहाँ पे एक ही वोल्टमीटर की बात की जा रही है दैट इज दिस वन और ये आपको 400 ओम है तो हमसे पूछा गया कि कितनी रीडिंग होगी सो बेसिकली हमको ये पता कर लेना है कि इन दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सो so, बेसिकली आप इसे चार और सौ का इक्वेलेंट पहले निकालोगे है ना 400 और 100 का इक्वेलेंट निकालोगे तो जनाब आपको ये आ जाने वाला है 80 ओम्स बेसिकली so मेरे पास एक हो गया है यहां पे 80 ओम्स समझिएगा ये 80 ओम्स है और ये है मेरा जनाब 100 ओम्स ठीक है और ये रही मेरी बैटरी 90 वोल्ट्स की मुझे जानना है कि भैया इस दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर तो सर वो कितना हो जाएगा हमारा जो वी ए बी होगा दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय 80 ओम और करंट मेरा कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा रहा था बच्चों को ठीक है बच्चों को क्या यहां पर मतलब लैंग्वेज का इश्यू है बच्चों की भी गलती नहीं रही है अगर उन्होंने दो दो वोल्टमीटर लगा दिया था तो कमॉन वायर को स्ट्रेच करने वाला सवाल है ध्यान ये देना है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया है ट्वेंटी परसेंट आपने लेंथ को इंक्रीज किया है छोटा इंक्रीमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे एरर uh, वाला फंडा नहीं अपनाएंगे अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई ट्वेंटी परसेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज हाउ मच आपका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इसी का इस्तेमाल करना है लेकिन ध्यान से हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा यानी कि आप क्रॉस सेक्शन एरिया को हमेशा वॉल्यूम बाय लेंथ से रिप्लेस करने वाले हो तो ये लेंथ स्क्वायर हो जाएगा बस अब यही ध्यान देना है कि ये सर था मेरा पहला रेजिस्टेंस और फाइनली आपका रेजिस्टेंस कितना है रो बाई वी आपने लेंथ इज लेंथ इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स बाई ट्वेंटी परसेंट तो पहले लेंथ अगर एल था तो बाद में एल प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ एल है यानी कि फाइनल लेंथ 1.2l है तो स्क्वायर मारा तो स्क्वायर हो गया, यानी कि दिस इज 1.44 इनिशियल वाला रेजिस्टेंस। हमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है हमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा सर वो मेरा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल का हंड्रेड आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको फोर्टी निकल के आएगा एंड दैट इज द करेक्ट वन आप में से सभी लोगों ने फोर्टी फोर दिया है समर्थ पाटिल बेटा फोर परसेंट क्यों कह रहे हो कुछ तो कांड किए हो ठीक है वेरी गुड चलिए ऑन यही मोमेंटम यही स्पीड बनाए रखना है अगले चालीस पैंतालीस दिन है ना थमना नहीं है आप में से बहुत लोग दस दिन बहुत मस्ती किए हैं अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कैरीज अ करेंट ऑफ टू एम्पियर वेन थ्री पॉइंट फोर वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट अच्छा तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा हमको कहता है कि आपके पास एक मेटलिक वायर है और इसके अक्रॉस आपने बैटरी जो लगाई है दैट इज योर 3.4 पॉइंट वोल्ट तो इसमें से जो करंट फ्लो किया है दैट इज योर 2 एम्पियर ठीक है अच्छा आ, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 पॉइंट फोर बाई यानी कि 1.7 ओम द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इज दिस मच डेंसिटी इज दिस मच एंड रेजिस्टिविटी इज दिस मच length ऑफ वायर इज हाउ मच अच्छा सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल by ए हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डेंसिटी और मास दिया है यानी वॉल्यूम का खेल होगा तो एक काम करते हैं ना हमको तो पता है कि वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ के बराबर है तो एरिया को हम लोग फिर से वी बाई एल से रिप्लेस मार देते हैं सो दिस विल बिकम रो एल स्क्वेर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अब हमसे यहां पे क्या पूछा है लेंथ पूछा है। यानी बाय रेजिस्टिविटी का अंडर रूट, ठीक है? और सर हमको यह भी पता है कि जो मेरा डेंसिटी uh, होता है दैट इज मास बाय वॉल्यूम तो सर वॉल्यूम को हम मास बाय डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते थे तो सर यहाँ पे मेरे पास जो अंदर में वॉल्यूम है हम उसको मास बाय डेंसिटी से रिप्लेस कर दिए है अब यहाँ पे आपके पास सारा डेटा है उसको सब्सट्यूट कीजिए आपके पास मास कितना है 8.92 पॉइंट नाइन टू टेंट द पर माइनस थ्री आपके पास रेजिस्टेंस कितना है अभी अभी सॉल्व किया ना 1.7 डेंसिटी कितना है तो सर डेंसिटी इतना है दैट इज योर 8.92 पॉइंट नाइन टू टेन टू द पावर थ्री और रेजिस्टिविटी जो है मेरा वो इतना है तो ध्यान से देखिए बड़े ही आराम आराम से हमने यहाँ पे सारे डेटास को सब्सट्यूट किया है ये दोनों आपका आपस में कट जाएगा राइट ये दोनों आपस में आपका कैंसिल आउट होएगा ये ऊपर जाएगा तो टेन टू द पावर एट और ये ऊपर जाएगा तो टेन टू द पावर माइनस सिक्स सो बेसिकली अंदर में बच रहा है हंड्रेड यानी सर बाहर निकल के आने वाला है ओनली टेन दैट इज योर ऑप्शन नंबर टू राइट एक्सीलेंट एक्सीलेंट सो मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्ट वेरी गुड कम ऑन यस सो आप देख सकते हैं सवाल इजी है लेकिन कैलकुलेशन काफी है कैलकुलेशन इसके अंदर है जहां पे आपको मेन्यूपुलेशन फटफट करना है कम ऑन सर्किट एनालिसिस पे एक और सवाल जहां पे हमसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी टर्मिनल इन दोनों के अक्रॉस आपका कितना है इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ध्यान से देखना यहां पे एक प्लेन वायर है वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन वायर द मीनिंग ऑफ प्लेन वायर इज बेसिकली योर शॉर्ट सर्किटिंग कौन बच्चा टू ओम लिख रहा है बच्चा टू ओम गलत जवाब है आपका ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है सपोज कीजिए कि यहां पे आपका कोई करंट होगा भैया जब वो करंट यहां से आएगा ना तो वो करंट है ना यहां से निकल जाएगा क्योंकि यहां पे उसको रेजिस्टेंस दिख रहा है यहां पे भी उसको रेजिस्टेंस दिख रहा है लेकिन यहां उसको रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है करंट ऑलवेज पासेज थ्रू लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ यानी कि करंट जो है ना करंट आपका यहां से सीधे यहां और फिर यहां से निकल जाएगा इधर इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं किया तो इसको छुपा दो इसको छुपा दो इसमें से भी करंट नहीं फ्लो किया तो इसको भी हटा दो तो आपका सर्किट सिर्फ इतना ही है This is your circuit right now. अब ध्यान से देखेंगे तो ये टू ओम टू ओम आपको पैरल में है यानी और जाने वाला है राइट right? सो so इस बात को ध्यान रखना है कि हमने शॉर्ट सर्किटिंग वहां पर जो की अगर आपको शॉर्ट सर्किटिंग वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है तो कम से कम ये समझिए कि करेंट जो होता है वो आपको रेजिस्टेंस पाथ को चुनता है अगर उसके पास ऑप्शन हो तो ठीक है चलिए ओके ओके okay. ध्यान okay. से देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कम ऑन जल्दी कीजिए रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज फाइव ओम इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच टू फाइव टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ वुड बी हाउ मच बिल्कुल वही वाला सवाल हो गया है रो एल बाई ए जहां पे हम इसे रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ लेंथ के साथ खेला है आपको कहता है कि भैया आपने लेंथ को फाइव टाइम्स कर दिया है समझिएगा पहले जो आपका रेजिस्टेंस था वो था फाइव यानी कि रो एल वॉल्यूम। अब आपका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा रो बाई वाइव मल्टीप्लाइड बाय रो एल वी और ये आपको फाइव के बराबर था सो so बेसिकली आपका नया रजिस्टेंस जो हो गया है वो हो गया ऑप्शन नंबर थ्री वन ट्वेंटी फाइव राइट चलिए ये आपको थोड़ा सा ईजी वाला सवाल था नेक्स्ट कमऑन सर्किट वाले सवाल देख के कई बच्चे घबराते हैं घबराना नहीं है मुश्किल बिल्कुल नहीं है सॉल्व कीजिए फटाक से क्वेश्चन नंबर थर्टीन ट्वेंटी फिफ्थ जैन शिफ्ट टू में आपसे पूछा गया ये एक और क्वेश्चन है रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड सॉल्व टू सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी आर शोन द फिगर सेल वन आपको बेसिकली यहाँ पे दोनों सेल दिया हुआ है ना ये दो सेल है आपके पास एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ फोर ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी तो आपने क्या किया है यहां पे एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है कैपिटल आर इज इक्वल टू फोर ओम हमसे पूछता है कि बताइए इससे आपको कितना करंट फ्लो कर रहा है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट कम कम ऑन ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं फिर भी कुछ कुछ बच्चे क्यों गलत देखने की कोशिश कर रहे हैं भैया दो सेल है ना देखिए यहां पे भी लगा सकते हैं पॉइंट पोटेंशियल नो डाउट लेकिन जब ऐसा दो सेल पैरेलल में दिख जाए ना तो गो फॉर ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट पैरेलल वाला तो सबसे पहले हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को यहां से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे बाय दिस इक्वेशन ई इक्विवेलेंट क्या बोलता है ई1 आर1 ई2 आर2 डिवाइडेड बाय 1 आर1 1 आर2 ध्यान ये देना है कि इसका वाला बड़ा डंडा लेफ्ट में है लेकिन इसका वाला बड़ा डंडा राइट में है सो so बेसिकली दोनों का पोलैरिटी अलग अलग तरीके से है तो अगर अगर आपने इसको प्लस ट्वेल्व लिया है तो नीचे वाले को फिर माइनस सिक्स लेंगे सो ट्वेल्व बाई इसका रेजिस्टेंस थ्री ओम माइनस सिक्स बाई सिक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस में माइनस नहीं होता है चुपचाप से प्लस ही करना होता है तो यह आपको हो जाएगा फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपको कितना है by plus by यहां पे आपका जो है 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 हो हो जाने वाला है. This is your 2 plus 1. तो हो 6, सर, तो ये आपको जाएगा कि सर आ गया इक्वेलेंट और सर तीन और छ का जो पैरेलल होता है वो हमेशा से दो ही होता है तो आर इक्वेलेंट आ गया है दो ओम सो बेसिकली अब आपके पास सर्किट में ना ऊपर में हो गया है आर इक्वेलेंट ये आपका बैटरी और नीचे में आपके पास यहां पे चार ओम है नीचे में चार ओम है तो भैया आप तो खत्म कहानी आई इज इक्वल टू छ वोल्ट का बैटरी है और दो प्लस चार छ यानी कि सर एक एम्पियर आपका आंसर है इसका राइट ऑन ठीक है शानदार चलिए आगे बढ़े देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अरे यार इसको इसको सॉल्व सॉल्व मत करो इसको हम फटाक से करके आगे बढ़ते हैं ये तो तो काफी शर्मनाक सवाल है रेशियो है रेशियो तो रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी इन इन टू रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड हालांकि बच्चे इसमें भी गलती करते हैं है ना रेशियो ऑफ थर्मल और कॉमन चीज है पोटेंशियल डिफरेंस तो भैया थर्मल एनर्जी जो आपका होता है इट दिस इज इक्वल टू अगर पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है तो उसी का फॉर्मुला इस्तेमाल करेंगे ना दिस यानी कि सर यहाँ पे दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो थर्मल एनर्जी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस यहाँ पे वन है तो हीट आपका हो जाएगा थ्री ऑप्शन नंबर वन राइट तो सिली मिस्टेक नहीं करना लेकिन है ना क्योंकि इन सवालों में ही बच्चों ने बहुत गलती की है रेशियो वाले क्वेश्चंस में भी ऑन आ गया आपका मीटर ब्रिज। क्या सोचे थे कि मीटर ब्रिज का सवाल नहीं आएगा कम ऑन इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है है ना ये ऐसा नहीं कि बस देखा और दस सेकेंड में सॉल्व हो गया हियर यू हैव टू सॉल्व यू हैव टू डू समथिंग आई आर स्क्वायर टी भी होता है बिल्कुल होता है लेकिन बच्चा उसमें आपका दोनों में करंट अलग अलग होगा तो फिर सॉल्विंग में मजा नहीं आया ना तो वो फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए जहां पे आपका वेरिएबल्स हट जाए ठीक है कम ऑन, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इन द बैलेंस पॉइंट इज यहां पे इज होगा इज द गैप्स आर क्लोज बाई टू ओम एंड थ्री ओम तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन में हमसे कहता है कि यहां पे आपके पास दो ओम है और इसके बाजू में आपके पास थ्री ओम है और आपने जो है यहां पे नीचे में आपके पास क्या है एक मीटर का वायर रहा होगा आप यहां पे बैलेंसिंग बैलेंसिंग खेल रहे हो राइट तो सबसे पहले बैलेंसिंग लेंथ पता कर लेते हैं कि भैया गैलवनोमीटर कहां पे आपको बैलेंसिंग देने वाला है इस तरीके से मेरा गैलवनोमीटर होता है यहाँ पे बैलेंसिंग दिया होगा मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ जो है एल है तो बचा हुआ लेंथ हो जाएगा हंड्रेड माइनस एल हंड्रेड सेंटीमीटर की वायर है ना तो बैलेंसिंग लेंथ क्या बोलता है कि सर टू बाई थ्री इज इक्वल टू एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल तो जनाब सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग तो हमको दिखाई दे रहा है कि दो सौ बाई पांच इज इक्वल टू एल तो एल की वैल्यू फोर्टी आई तो सर एक बात समझ में आ गई कि सर ये वाला लेंथ जो था वो फोर्टी और सिक्सटी है रेस्पेक्टिवली फोर्टी सेंटीमीटर एंड सिक्सटी सेंटीमीटर अब आपने क्या किया आपने एक x ओम लगाया है इन पैरल टू योर थ्री ओम यहां पे आपने एक और रेजिस्टेंस लगाया है x ओम इन पैरल टू थ्री ओम इसके कारण से बोलता है कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स बाय 22.5 टू पॉइंट फाइव अगर तुम ध्यान से देखो तो 22.5 जो है वो फोर वो 90 बाई फोर के बराबर है अब तुम खुद सोचो कि आपका बैलेंसिंग पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया होगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट किया होगा तुम खुद सोचो अगर आपने पैरल में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है तो ये जो इक्वेलेंट होगा वो अब घट गया पहले अगर ये थ्री ओम था तो अब ये जो इक्वेलेंट होगा वो थ्री ओम से कम हो जाने वाला है यानी कि आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा अब वो राइट साइड शिफ्ट करेगा यानी कि अब जो आपका नया बैलेंसिंग पॉइंट है ना वो फोर्टी फोर प्लस नाइनटी बाई फोर होगा तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको भी यहां से हटाया है अब आपका जो नया बैलेंसिंग लेंथ होने वाला है जस्ट फोकस ओवर हियर सम वॉट हियर लेटस से यानी कि सर अब जो ये है दैट इज फोर्टी प्लस नाइनटी बाई फोर और जो ये वाला होगा वो सिक्सटी माइनस नाइनटी बाई फोर होगा ठीक है इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये 160 सिक्सटी प्लस नाइनटी यानी कि 250 फिफ्टी बाई फोर और ये निकल के आ रहा होगा 240 फोर्टी माइनस नाइनटी यानी कि 150 फिफ्टी बाई फोर तो फिर से हम लोग यहां पे रेशियो रेशियो खेल सकते हैं मान लीजिए कि इसका जो इक्वेलेंट है दैट इज योर स्मॉल आर राइट तो हम क्या बोलेंगे टू बाई स्मॉल आर हम बोलेंगे कि सर टू बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू दिस लेंथ यानी कि टू फिफ्टी बाई फोर डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी बाई फोर तो यहाँ से आपका फोर से फोर जो उड़ जाएगा दिस इज योर टू बाई आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी दिस इज योर फाइव थ्री फाइव फाइव तो आपका आर कितना आ रहा है सिक्स बाई फाइव ओम अब ये सिक्स बाई फाइव क्या है दिस सिक्स बाई फाइव इज नथिंग बट इक्वेलेंट ऑफ थ्री एंड एक्स सो सर दिस इज योर थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ये आपको टू हो जाएगा सो दिस इज योर सिक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स सो सर एक्स की वैल्यू जो आ रही है दैट इज योर टू राइट कमॉन कमॉन क्लियर है ठीक है दीपक सती बेटा आपका मैसेज देख लिया जाएगा अभी सर आपके सामने लाइव है तो अभी आपका वो वाला मैसेज कैसे देखेंगे तो आप एक बारी मैसेज किए हम पढ़ लिए आप मत कीजिए ठीक है कम ऑन सती जी पढ़ लिया ना अब क्या चाहते हैं आपको रिमूव कर दे यहां से एक साथ दो जगह हम कैसे प्रेजेंट हो जाएंगे बेटा ऑन सॉल्व कीजिए अच्छा ये आपको अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गया इसमें आपसे क्या कहता है विद दी हेल्प ऑफ पोटेंशियो मीटर वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई एम एफ ऑफ अ गिवन सेल ये तो आपका फैक्चुअल बात है सही बात है सर द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियो मीटर इज सर वॉट इज सर वॉट इज सेंसिविटी सेंसिटिविटी का मतलब होता है आपका लोएस्ट 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 पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड दैट कैन बी मेजर्ड अगर हम ये बोलेंगे कि भैया ये पोटेंशियोमीटर हाईली सेंसिटिव है यानी वो बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है अब तुम खुद सोचो कि पोटेंशियोमीटर में जो आपका वो वो पोटेंशियल डिफरेंस रीड रीड करता करता है है यानी सेल का जो ईएमएफ दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई एक्स राइट तो वो ये सबसे छोटा से छोटा तब मेजर कर पाएगा जब के की वैल्यू बहुत छोटी होगी के की वैल्यू आपको बहुत छोटी होगी ना व्हाट इज के के होता है आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर अपॉन लेंथ सर ये वाली वैल्यू छोटी तब होगी जब लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा होगा तो हमको इतना समझ में आ गया है कि भैया सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के राइट right? डायरेक्टली है कि इनवर्सली सोच के बताइएगा आपका द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर कम ऑन ए एंड सी टू तो कुछ कुछ बच्चों ने ऑलरेडी आंसर देना जो है वो शुरू कर दिया है है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर कम ऑन वन 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 द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर आपका क्या होगा जितना ज्यादा आपका जो है वायर लंबा होगा उतना ज्यादा वो छोटा रीडिंग जो है वो मेजर कर पाएगा है ना तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी और ए एंड सी दैट इज ऑर ऑप्शन नंबर टू ठीक है राइट right? बढ़िया है ऑन, चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कम ऑन इसको भी कीजिए सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन अगेन आपका ये मेरे ख्याल से मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है कम ऑन कम ऑन डू दिस क्वेश्चन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेन टू रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू कनेक्टेड इन सीरीज एंड इंट्रोड्यूस्ड इन टू द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज एंड रेजिस्टेंस टेन ओम इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द राइट गैप नल पॉइंट इज फाउंड टू बी सिक्सटी सेंटीमीटर सो बेसिकली हमसे कहता है कि पहले जो आपका है आर वन आर टू सीरीज में है यानी ये हो गया है आर वन प्लस आर टू और दूसरा जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर टेन ओम जब ऐसा था आपके पास तो मेरा जो नल पॉइंट है सिक्सटी सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट है अगर हम डायग्राम यहाँ पे सही से बनाएंगे तो यहाँ से मेरा बेसिकली सिक्सटी सेंटीमीटर है तो सर ये वाला जो है मेरा फोर्टी सेंटीमीटर हो जाएगा

अब यहाँ पे हमसे कहता है कि वेन आर वन आर टू आर कनेक्टेड इन पैरल एंड इंट्रोड्यूस्ड इन टू द लेफ्ट गैप अब आपने आर वन आर टू को जो है लगाया है पैरल में इस तरीके से ये मेरा आर वन आर टू दिस इज इन पैरल और थ्री ओम अभी भी आपका यहाँ पे राइट साइड में अब हमसे कहता है कि थ्री ओम है अब हमसे कहता है कि बैलेंसिंग लेंथ जो है इधर से अगर बात करेंगे तो 40 है और इधर से बात करेंगे तो 60 है तो भैया आपका सिंपल है इसका इक्वलेंट कितना हो जाएगा आर वन आर टू अपॉन योर आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई थ्री दिस शुड बी इक्वल टू 40 बाई सिक्सटी यानी कि बेसिकली वो हो जाएगा 2 बाई थ्री सो थ्री से थ्री आपका मर गया तो सर आर वन आर टू कितना हो जाएगा टू टाइम्स योर आर वन Plus +r2 और सर व्हाट इज r1 plus r2 वो तो 15 है दिस इज योर 15 सो दिस टर्न्स आउट टू बी 30 और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि उनका प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या होने वाला है बताइए कम ऑन क्या आप सभी का 30 आंसर आ रहा है एक बारी देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो है ना एक बारी आपका यहां पे सीरीज में था और एक बारी आपका पैरेलल में है कम ऑन देखिए 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 हम्म hmm. ठीक है अच्छा कुछ बच्चे है ना फिर से क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के लिए कह रहे हैं देखिएगा आप समझिएगा सेंसिटिविटी सेंसी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी हाई का मतलब है कि वो छोटा से छोटा रीडिंग को मेजर कर सके तो आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि अगर लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा उसका इंस्ट्रूमेंट का डोंट थिंक सेंसिटिविटी इज लाइक इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा नहीं है आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए लेंथ जितना बड़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल अपॉन लेंथ राइट लेंथ जितना ज्यादा होगा इतना छोटा हो जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि और छोटा वो रीडिंग मेजर कर सकता है तो लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है इसीलिए सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ ऑफ वायर और अगर लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा तब ठीक है तो इस तरीके से ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर टू आपका सही जवाब था क्लियर है अब तो कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है चलिए सेवनटीन हो गया अपना एटी नंबर क्वेश्चन कम ऑन जल्दी से एटी नंबर क्वेश्चन पोटेंशियो मीटर का क्वेश्चन है अनल पॉइंट इज फाउंड एट टू हंड्रेड सेंटीमीटर इन अ पोटेंशियो मीटर सेल इज इन सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड बाई फाइव ओम इसका डायग्राम तो ध्यान में है ना डायग्राम कैसा होता है ये आपका प्राइमरी होता है यहाँ पे आपको बेसिकली प्राइमरी सर्किट होता है प्राइमरी से हमें तो कोई लेना देना है ही नहीं समझिएगा यहाँ पे आपका कुछ तो वी रहने वाला है वॉट एवर और यहाँ पे आपका बेसिकली सेल है उसका इंटरनल रजिस्टेंस ये मेरा गैलवनोमीटर इस तरीके से एंड दिस इज योर बैलेंसिंग लेंथ लेकिन हमने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाया है पैरल में ऐसा कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल ई और इस पोटेंशियो मीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट के मान लेते हैं तो जब इस सिचुएशन में बैलेंसिंग आती है तो हमें इन दो टर्मिनल के एक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है क्योंकि आपका करंट अब सिर्फ इसी छोटे से लूप में ही गोल गोल इंटरनली घूमेगा ऊपर और नीचे में करंट का ट्रांसफर नहीं होगा तो अगर हम इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपको ई e अपॉन R प्लस आर विच इज द करंट फ्लोइंग एंड दैट करंट दैट करंट इन टू कैपिटल आर ये पोटेंशियल डिफरेंस uh, हो गया है दिस इज बींग बैलेंस्ड के इन टू एक्स तो इस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर अब हमसे क्या बोल रहा है कि भैया आपका जो नल पॉइंट था वो 200 सेंटीमीटर में है जब कैपिटल आर पांच ओम है तो इक्वेशन बनाइए फाइव ई डिडेड बाई फाइव प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू टू टाइम्स के इक्वेशन नंबर वन दूसरा हमसे कहता है कि जब कैपिटल आर पंद्रह था तो ये तीन सौ है अब यहां पे आप लिखिए पंद्रह ई डिवाइडेड बाई पंद्रह प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू तीन सो इन के इक्वेशन नंबर टू दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए आपका e और k दोनों कटेगा और यहां से जो है आपको स्मॉल r इजिली निकल के आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर फाइव ओम वेरी गुड वेरी गुड सो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बिल्कुल सही यशामी कि हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है क्लियर है बढ़िया है कम ऑन कम ऑन वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपका ये कैलकुलस बेस्ड थोड़ा सा सवाल है आपको यहां पे चार्ज का इक्वेशन दिया गया है हमसे सवाल में पूछता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज गोइंग टू बी वॉट करंट को भी मिनिमाइज करना है करंट को भी हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है कम ऑन सर एक बार फॉर्मूला समझा दीजिए बच्चा वो जो हमने लिखा था ना ई आर अपॉन आर प्लस आर वो हमने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस This, ये आपका ऐसे था यहां पे आप समझिए ये ऐसा है तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भैया इस दो टर्मिनल के अक्रॉस डिफरेंस इतना है, तो क्या बोलेंगे? हमने और यही जो है वो बैलेंस हो रहा है यही जो है मेरा बैलेंस हो रहा था चलिए सो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो है सभी ने सॉल्व किया है कुछ कुछ बच्चों ने जवाब इसका देना शुरू किया है राइट right? देखिएगा आपसे कहता है कि जनाब यहाँ पे आपके पास चार्ज का इक्वेशन है तो आपको सबसे पहले करंट निकालना है करंट हो जाएगा dQ क्यू बाई डी सिंपल तो इसको डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो अल्फा टी का डिफ्रेंशिएशन अल्फा बीटा टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू बीटा टी प्लस इसका हो जाएगा थ्री गामा टी स्क्वायर ये आया है करंट अब इसको भी मिनिमाइज करना है यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करना पड़ेगा तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए जीरो माइनस टू बीटा प्लस योर सिक्स गामा टी इक्वल टू जीरो यानी कि सर टी इज इक्वल टू बीटा अपॉन थ्री गामा तो यहां से जो है मेरे को वो टाइम पता चल गया है जिस टाइम पे करंट मिनिमम होने वाला है तो बस अब ये जो करंट का इक्वेशन था वहां पे ये वाली टाइम को डाल दीजिए सो अल्फा माइनस टू बीटा टी टी की जगह डालेंगे बीटा बाई थ्री गामा प्लस योर थ्री गामा मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन गामा स्क्वायर नाइन गामा स्क्वायर राइट अब अब तो हो जाएगा ना अल्फा माइनस यहां से मेरे को दिख रहा है दिस इज योर टू बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री गामा है ना प्लस uh, ये इसको कट करेगा तो ये हो जाएगा चुपचाप से थ्री गामा यानी कि बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री गामा सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री गामा सो दिस लुक्स ऑप्शन नंबर फोर एज शानदार बहुत ही बढ़िया ठीक है तो ये आपको एक बार डिफरेंशिएट किया दोबारा डिफरेंशिएट किया फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए और फिर टाइम को पुट किया अब ये भी आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आप इसको दे सकते हैं क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और जनरली जब 1.7 या 2.4 होता है तो राउंड ऑफ करना आसान होता है लेकिन यहां पे उन्होंने पहले गलत आंसर दिया और उसके बाद उन्होंने इसको मॉडिफाई करके आंसर दिया था अपने फाइनल आंसर की में है ना बिल्कुल रव, र, बिल्कुल रवि शर्मा यू कैन डू दैट बच्चा शिवम कुमार सॉल्व कर लो बेटा आंसर याद हो गया है देखिएगा अच्छा इस वाले सवाल में है ना शायद जब मैंने स्पीड सॉल्विंग किया था ना तो वहां पे मैंने थोड़ा सा आ, इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दिया था कि ये आपका टू और वन है ये आपका टू और वन है तो ये सेक्शन आपका हो जाएगा बैलेंस वीड स्टोन ब्रिज तो इसको उड़ा देते हैं सो बेसिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो तब लगाते हैं जब यहां पर आपका सिर्फ रजिस्टर हो लेकिन यहां पर अभी आपका एक पावर सप्लाई है फाइव वोल्ट का तो यहां पर करंट तो आपको है राइट आपको करंट यहां पे आई टू कुछ ना कुछ निकल के आने वाला है तो ये सवाल एक्चुअली में थोड़ा सा बढ़िया सवाल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्किट है सबसे पहले आप देखिएगा हालांकि उस इनकरेक्ट मेथड से भी आंसर सही आ जाता है बट वी हैव टू लर्न द करेक्ट अप्रोच ओवर हियर ठीक है लागार है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए, कोई लाग बैग नहीं है झूठ मत बोलो लाग है क्या सच में लैग आ रहा है अभी ठीक है क्या अभी ठीक है ठीक है नो लाग नो लैग सही में यार वही हमको लगा नेट तो बड़ा बढ़िया एकदम अब देखिएगा इस पॉइंट को आप जीरो मान लीजिए तो ये वाला पॉइंट आपका टू हो जाएगा ये वाला है तो ये वाला पॉइंट भी टू होगा अच्छा सर यह वाला पॉइंट भी जीरो होगा अब दिक्कत यह है कि ना तो इस पॉइंट के बारे में कुछ पता है और ना ही इस वाले पॉइंट के बारे में पता है तो दोनों को एक्स और वाई बोल दिया जहां जहां आपके पास नोड है यहां पे एक्स वाला एक नोड है और यहां पे वाई वाला नोड है तो दोनों के लिए केसीएल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा अब KCL के के इक्वेशन में जिस नोड की बात करते हो जिस नोड की बात कर रहे हो अज्यूम कर लीजिए कि उस नोड से आपको करंट हमेशा दूर जा रहा है और वही इक्वेशन मान के लिखिए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है सबसे पहले अगर हम वाई वाले नोड की बात करेंगे तो भैया अगर ये वाला पॉइंट को वाई बोला है यानी इस वाले पॉइंट को भी वाई बोलेंगे और इस वाले पॉइंट को भी वाई बोल देंगे यानी कि अगर हम इस वाले नोड की बात कर रहे हैं तो यहां पे एक करंट जो आपका निकल के आने वाला है दैट इज वाई माइनस टू बाई टू ध्यान से देखिएगा वाई माइनस टू बाई टू प्लस यहां पर आ जाएगा आपका अच्छा अगर ये वाला पॉइंट एक्स है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा फाइव प्लस एक्स सो यहां पे आपका आ जाएगा वाई माइनस फाइव वाई माइनस फाइव माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ये आखिरी दिस वन वाई माइनस जीरो बाई टू इक्वल्स टू जीरो दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो वाई माइनस टू प्लस टू वाई देखिएगा टू वाई माइनस टेन माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे ध्यान से देखा तो फोर वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू यानी कि टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू सिक्स इक्वेशन नंबर वन इस वाले नोड पे इक्वेशन लिखा है फिलहाल अब इस वाले नोड की बात करेंगे यानी कि इधर वाला करंट इधर वाला करंट इधर वाला करंट जिस नोड के लिखेंगे वहां से करंट हमेशा दूर जा रहा है अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस नोड की जब इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स माइनस टू बाई वन एक्स माइनस टू बाई वन प्लस एक्स माइनस जीरो बाई वन एक्स माइनस जीरो बाई वन प्लस इधर जो आपका करंट होगा उसके लिए तो यही वाला लेना पड़ेगा फाइव प्लस एक्स माइनस वाई अब फाइव प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू जीरो अब इसको सॉल्व किया दिस इज योर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फाइव यानी कि ये आपको हो जाएगा प्लस थ्री uh, तो ये आपको हो जाएगा माइनस थ्री ठीक है अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इसको एक काम कीजिए टू से मल्टीप्लाई कीजिए सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड कर दीजिए ताकि आपका ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाए सो टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू सिक्स दोनों को अगर आपने ऐड किया तो आपका टू वाई टू वाई मर जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी सर एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है और यहां से आपका जो वाई का वैल्यू आ जाएगा वो मेरे को निकल के आ रहा है कितना अगर एक्स जीरो है तो वाई जो है सर मेरा थ्री निकल के आएगा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सर किच बिल्कुल फिर वैसा भी कर सकते हो एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तीन लूप में घूम जाए बिल्कुल घूम जाओ है ना तो आपके पास तीन इक्वेशन बनेंगे सर्किट प्रॉब्लम है आपके पास बहुत तरीके सॉल्व करने के लिए अब देखिए एक्स और वाई आ गया तो मेरा गेम मेरे ख्याल से ओवर हो गया है क्यों क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है सर एक्स आ रहा है जीरो सर, इसको जीरो लिखा तो दिख रहा है ना कि सर इसमें जो करंट होगा 2 माइनस 0 हायर टू लोअर जाता है, सो so, 2 माइनस 0 बाय 1 यानी कि सर ये 2 एम्पीयर है। एक और बात, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। सर ये पॉइंट जो है मेरा 3 आ रहा है, सो so, 3 माइनस 2 बाय 2 यानी कि सर ये करंट आ रहा है हाफ एम्पीयर, यानी कि सर पॉइंट 5 एम्पीयर। तो बस ये वाला करंट कितना हो जाएगा इधर 2 है तो इस वाले करंट को 1.5 पॉइंट ही तो होना पड़ेगा ताकि 1.5 पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट हो पाता तो खत्म हमसे जो सवाल में पूछा है उसका जवाब 1.5 है जिसको राउंड ऑफ करने पे एन ने दो राइट यस right? yes. बेटा वीरस्टोन जो है वो यहां पे कॉन्सेप्चुअली गलत है हालांकि उससे आंसर सही आ रहा है आप यहां पे आप देख सकते ना कि आई टू करंट करंट कुछ ना कुछ आने वाला है सो so, यहां पे इसको सर्किट को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? बिल्कुल शाबाश तो ये आपको देख सकते हैं काफी बढ़िया आपको सर्किट एनालिसिस का एक सवाल हो जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कमॉन ये आपको अगेन बस देखने में डरावना है हालांकि सवाल यह मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी आपसे कहता है कि सर्किट का आर इक्वेलेंट बताइए सो आपको थोड़ा सा बस एक एक करके प्यार से सॉल्व करना है ध्यान से देखेंगे तो अगर इस पॉइंट को आप सी बोल दे है ना तो ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट भी ए है ये वाला पॉइंट भी ए है ये वाला पॉइंट भी ए है यानी ये आठ ओम और ये दो ओम आपस में पैरल में है बिकॉज दोनों ही सी और ए के एस है तो यही बात को पकड़ना था कि ये दोनों पैरल में है ये दोनों आपस में पैरल में है तो सर आठ और दो का जो पैरल होता है वो कितना होता है एट इंटू टू अपॉन टेन यानी कि सर वन पॉइंट सिक्स और फोर और सिक्स का जो होता है दैट इज फोर इंटू सिक्स डिवाइड बाई टेन यानी कि सर टू पॉइंट फोर राइट सो अगर हम यहां पे सर्किट को रिड्रॉ करें ये मेरा ए और बी था यहां पे मेरा वन पॉइंट सिक्स दिस इज माई वन पॉइंट सिक्स दिस इज माई टू पॉइंट फोर इसके ऊपर में एक मेरा आ रहा है ट्वेल्व और ये दोनों एड हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा बेसिकली टू नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे टू है सो दियर यू हैव वन सिक्स ओम एंड वन टू ओम अब अगेन 1.6 और 2.4 को ऐड किया तो ये बेसिकली आपको 4 हो जाने वाला है अब आपके पास ये पांचों पैरेलल में है तो यहाँ पे लगा दीजिए आर इक्वेलेंट सो बेसिकली आपको कितना हो जाएगा so चुपचाप से ट्वेल्व लीजिए सिक्स प्लस वन प्लस थ्री प्लस टू प्लस सिक्स किया दिस इज योर वन बाई आर सो आर इज इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई छः प्लस वन सात तीन दस दो बारह छः अट्ठारह सो दिस इज योर टू बाई थ्री जो कि मेरे पास ऑप्शन में है क्या ऑप्शन नंबर वन है सबका आया है यस yes, बिल्कुल सर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चा थंबनेल थंबनेल देख लो में बड़ा बड़ा चिपकाया है 26 questions थे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ कितना हाई वेटेज चैप्टर है और आप सारे सवाल देखिए चार वराइटी है सर्किट एनालिसिस राइट पोटेंशियो मीटर मीटर ब्रिज और थोड़ा सा छुटपुट छुटपुट यहां से है ना बताइए सर सवाल नहीं होते हैं तो डी मो, मोटिवेट हो जाते हैं आपको लगता है कि आपके पास समय है बच्चा डी मोटिवेट होने का भी समय सर बीच वाला पैरेलल में कैसे है बेटा ये ये एट और टू है तो पैरेलल में अभी तो दिखाया ना ये वाला पॉइंट भी अगर आपका ए है तो ये भी ए है ये भी ए है और इसको कोई सी बोल दो तो ये आठ ओम ए के अक्रॉस ये टू ओम ए के अक्रॉस दोनों है पैरल में है ना देखना पड़ेगा अपने आप नहीं दिखेगा देखना पड़ेगा आंख खोल के कमौन 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 सॉल्व कीजिए बताओ बेटा सर सुनो एक बात बतानी है बोलिए देखिएगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज जीरो हाँ, ये सर हमको बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन है कि अगर बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है यानी कि बी और डी सेम पोटेंशियल पे है इसका मतलब ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है ध्यान से देखेंगे तो 6 और तीन का इक्वेलेंट होता है दो दो और वन इक्वेलेंट थ्री हो जाएगा एक्स और वन यानी कि x अपॉन एक्स प्लस वन सो बेसिकली अगर बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है अपोजिट साइड का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए सो टू इंटू एक्स यहाँ पे लिखो टू इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू दिस इंटू थ्री यानी कि सर थ्री इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन तो एक्स से एक्स मर जाएगा दिस इज योर टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री यानी कि सर ये कितना रहा है अच्छा टू एक्स नहीं है सॉरी हाँ टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू थ्री यानी कि सर टू एक्स इक्वल्स टू वन तो सर एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू तो मेरा एन की वैल्यू टू हो जाएगी ठीक है बढ़िया एकदम एकदम क्लियर एकदम एकदम प्यारा सवाल रहता है देखिए एक आया ना एक आपका अचानक से एकदम आगे चुपके से इन्होंने फंसा दिया सवाल आपको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करते रहो कम ऑन बताइए ट्वेंटी थ्री नंबर हम्म हां जी बेटा सच में रहते सूरत और कहा जाएंगे कमौन Sir, मेरी शिफ्ट का सवाल है तो करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वी डी अच्छा सर व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखिए तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हां जी सर तो यहां से दिख रहा है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिअरेंज किया तो एन ई ए हो जाएगा द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाई अनदर कंडक्टर विद सेम मटीरियल मटीरियल सेम का मतलब क्या है ये स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो कि मटीरियल प्रॉपर्टी है तो आपका जो नया कंडक्टर है उसका एन सेम है लेंथ सेम है बट डबल दी क्रॉस सेक्शन एरिया द अप्लाइड वोल्टेज ऑल्सो रिमेंस द सेम भैया वोल्टेज अप्लाइड भी आपने सेम रखा है द न्यू ड्रिफ्ट वेलॉसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हाउ मच तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ड्रिफ्ट वेलॉसिटी इज इक्वल टू करेंट की जगह क्या लिखोगे करंट की जगह बच्चा लिखोगे पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर अच्छा और पोटेंशियल अपॉन एन ई ए मल्टीप्लाइड वन आर और रेजिस्टेंस को आप लिखोगे यहाँ पे रो एल ए हाँ जी सर ए से ए मर गया यानी कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एन ई रो एल अब ये आपका बन गया है फॉर्मूला अब ध्यान से देखिए दोनों बार पोटेंशियल सेम पोटेंशियल भी सेम है ये मटीरियल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम ही होगा रेजिस्टिविटी सेम क्योंकि मटेरियल सेम है लेंथ सेम तो भैया जब सब कुछ सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी काहे के लिए चेंज ऑप्शन नंबर वन अरे भाई साहब करंट सेम नहीं है तो क्या हुआ लेकिन करंट को चेंज तो कीजिए क्योंकि आपको सवाल में पोटेंशियल के बारे में जानकारी दिया है तो करंट को इक्वेशन से हटाइए ठीक है? है ना तभी तो कह रहे हैं कि बच्चों को लगा कि पेपर इजी है इतना भी इजी नहीं था आपको थोड़ा सा एग्जाम के प्रेशर में मनुपुलेशन करना पड़ेगा कम ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टू आइडेंटिकल सेल्स व्हेन कनेक्टेड इधर इन पैरेलल और इन सीरीज गिव्स सेम करंट इन अन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइव ओम कम ऑन जल्दी से बताइए थर्ड लास्ट क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन और बच रहा है चौबीस पच्चीस और छब्बीस उसके बाद आप सब फ्री एक घंटे के अंदर छब्बीस क्वेश्चन हम लोग खत्म करने वाले है कमॉन कमौन 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 कुछ बच्चे पांच लिख रहे हैं देखिएगा हमसे कहता है कि आपका जो सेल है ये आपका सेल है है ना खटाक आपने सेल को सीरीज में लगाया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि पांच ओम है ये आपका स्मॉल ई आर स्मॉल ई आर या फिर आपने उस दोनों सेल को पैरेलल में लगाया ऐसे एक खटाक खटाक आपने सीरीज में लगाया हो या पैरेलल में लगाया हो इस पांच ओम से करंट हमसे कहता है कि सेम ही फ्लो कर रहा है करंट हमसे कहता है सेम फ्लो कर रहा है तो दोनों का करंट को इक्वेट कर दो इस वाले में अगर करंट को एक... लिखने जाओगे सो इज गोइंग टू यहां की बात करोगे तो भैया इसका जो इक्वलेंट ई एम एफ होगा वो तो ई e ही रह जाएगा और आर और आर पैरेलल में है तो आर बाई टू हो जाएगा तो यहां पे आपको हो जाएगा टोटल ई एम एफ ई डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस फाइव प्लस आर बाई टू फाइव प्लस आर बाई टू अब बस अपने को इसी को सॉल्व कर देना है इसी को सॉल्व करना है सो फाइव प्लस टू आर इज इक्वल टू टू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टेन प्लस आर तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि आर इज इक्वल टू फाइव खत्म राइट ऑन बिल्कुल लुक एट द कमेंट ईशिगामी सेम बहुत बढ़िया बच्चा सही जवाब आया तो बहुत ही बढ़िया पवन कुमार जी आप, आप चाहो तो मेरे को ईमेल कर सकते हो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए एप्लीकेशन पे मैसेज कीजिए बहुत बढ़िया चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ओहो ये सवाल अगेन मतलब थर्मल एनर्जी का सवाल तो इतना ज़्यादा आसान देते हैं लोग कि शर्म आ जाता है एच अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड बाई ए रजिस्टर इन टेन सेकेंड वेन करंट ऑफ फोर एम्पियर इज पास्ट हो oh oh oh, क्यों ही देते ऐसा सवाल आई इज इक्वल टू आई करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम इफ द करंट इज इंक्रीज टू सिक्सटीन एम्पियर तो नया वाला कितना हो जाएगा सिक्सटीन एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम बेसिकली आपको यहाँ पे एच प्राइम पता करना है ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपको बेसिकली फोर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फोर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू टेन है सो so फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एंड दिस टर्म इज ओरिजिनल हीट यानी कि सिक्सटीन टाइम्स एच ऑप्शन नंबर टू सिंपल है एकदम है ना तो ये इस प्रकार के सवाल देने नहीं चाहिए बट ठीक है एक आध दे ही देते हैं कम ऑन लास्ट प्रॉब्लम सर्किट एनालिसिस फिर से है और थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है है ना क्योंकि बच्चे सर्किट देख के घबरा जाते हैं पहले ही कैपेसिटर देख लिया वहीं पे प्राण सूख गए पढ़ने चाहिए सेमीकंडक्टर ईएम e वेव्स कम्युनिकेशन मॉडर्न फिजिक्स एक एक लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है क्योंकि वो लोग कहीं से भी पूछ रहे कुछ भी पूछ रहे अब देखिएगा स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर उस जहां जहां कैपेसिटर है उस वाले सर्किट को ही गायब कर दो कहने का क्या मतलब है कि आपका भैया यहां पे जो कैपेसिटर है ना तो इसमें से तो करंट नहीं फ्लो कर सकता तो इसको यहां से गायब कीजिए इसको यहां से गायब कीजिए अच्छा इसमें भी ऊपर में भी, भी कैपेसिटर है तो यहां पे भी करंट नहीं फ्लो कर सकता तो इसको भी यहां से हटा दीजिए इनका कोई सेंस नहीं बनता है मीनिंग नहीं बनता है सो बेसिकली आपका सर्किट जो है वो ये वाला है दिस इज योर सर्किट दिस इज योर सर्किट अब हमसे पूछता है वी बी माइनस वी डी कितना है तो एक काम करते थोड़ा सा ना इसको रिड्रॉ कर लेते ये मेरा ए हो गया है ये मेरा सी हो गया है ऊपर में आपके पास बेसिकली एक दो ओम और एक वन ओम है दिस इज योर टू ओम दिस इज योर वन ओम और नीचे में मेरे पास यहाँ पे टेन ओम है और यहाँ पे टू ओम है दिस इज योर टेन ओम एंड दिस इज योर टू ओम और इसके अक्रॉस जो आपका बैटरी है वो लगा हुआ है जनाब आपको छ वोल्ट का इस वाले पॉइंट को बी बोला गया है सवाल में इस वाले को डी बोला गया है हां जी सर अब अगर तुम ध्यान से देखो ये वाला टर्मिनल अगर मेरा जीरो है तो ये वाला टर्मिनल मेरा बेसिकली सिक्स हो जाने वाला है सो बेसिकली ये जीरो है तो ये वाला टर्मिनल आपका सिक्स है ये वाला भी सिक्स है ये वाला भी आपका जीरो है अब अगर तुम ध्यान से देखो सर ऊपर वाले में कितना करंट फ्लो किया होगा तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस सिक्स माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस इज सिक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस टू प्लस वन यानी कि थ्री तो सर ऊपर वाले में दो एम्पियर करंट है और सर नीचे वाले में कितना करंट हो जाएगा अगेन छह वोल्ट डिवाइडेड बाई टेन प्लस टू दैट इज योर ट्वेल्व सो ये बेसिकली आपको हाफ अ एम्पियर है इसका मतलब ये हो गया है कि सर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज योर टू इन टू दैट इज योर फोर तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चार वोल्ट का है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है हाफ इंटू टेन दैट इज योर फाइव वोल्ट अब इसका मतलब यह है कि भैया अगर ये वाला पॉइंट सिक्स है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फोर का है यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल दो वोल्ट हो जाएगा तभी तो सिक्स माइनस टू आप यहां पे फोर बोल पाओगे सिमिलरली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पाँच वोल्ट का है ये पॉइंट छः है यानी ये वाला पॉइंट आपका वन हो जाएगा तो खत्म सर वीबी का पोटेंशियल जो है वो टू है और वीडी का पोटेंशियल वन है हमसे पूछा गया है VB -VD, तो सर वो वन हो जाएगा बढ़िया है शानदार सो यू क्वेश्चन आप इसको और भी कोई तरीके से कर सकते हैं आप चाहो तो सर्किट पे ट्रैवल कर सकते हो एक पॉइंट से आप बी से डी ट्रैवल भी कर सकते थे आफ्टर फाइंडिंग द करेंट राइट बेटा वेसू में ही रहते हैं सर वेसु आए हो कभी चलिए सो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा आपने सॉल्विंग भी करी होगी वी हैव डन 26 सिक्स क्वेश्चन इन सिक्सटी मिनट्स है ना दैट इज कॉल्ड एफिशियंसी और आपको भी इसी एफिशियंसी से बच्चा पढ़ना है टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन करके रखिएगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि अगला कौन सा चैप्टर होने वाला है और अगर आपका कोई डिमांड है कि सर नेक्स्ट चैप्टर ये रखो तो उसको आप सेशन के बाद जरूर से कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला जो है आप अगला रखिएगा ठीक है अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं तो मैं उसको थोड़ा बहुत मैन्यूपुलेट कर सकता हूं ठीक है लेकिन अपने अभी फिलहाल ट्वेल्थ के करेंगे ज्यादा ठीक है चलिए टेक केयर यू बेस्ट ऑफ लक गुड नाइट पढ़ते रहिए अपने सेहत का ध्यान रखिए और सेशन को लाइक मारते रहो ठीक है कंजूसो चलिए बाय बाय